ओम ज्ञान तिमिराम धस्य लाइट चली गला स्टैंड स्टैंड है दीदा ओ स्टैंड है दीदा स्टैंड 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 दीदा स्टैंड स्टैंड है ना स्टैंड 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 यार मुझे कथा दो हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर करी बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। आज जिनके तिरुभाव है ना, आज जिनके तिरुभाव महामहोत्सव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज श्रील भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज के तिरुभाव महामहोत्सव है, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान इसी महीना में बहुत बहुत सारे वैष्णवों का कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो कार्तिक महीना है, इसलिए गुरु जी कहा करते थे ये महीना की विशेष विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो महीना की अधिष्ठात्री देवी वो स्वयं श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए इसी महीना में साधारण व्यक्तियों का तिरुभाव व जन्मतिथि नहीं हो सकता है, इसलिए गुरु जी कहा करते थे, इसलिए जो विशेष विशेष बड़े बड़े महापुरुष लोग ही इसी महीना में किसकी जन्म भी है और किसी की तिरुभाव भी है। कहते ये जो महापुरुष है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के ये चरण आश्रित ये महापुरुष है। जब हम इतना मात्र सुनते हैं ये किसके आश्रित है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का, इतना सुनते ही हमारी सर अपने आप झुक जाती है। बोले क्यों झुक जाती है, बोले कारण किया, बोले कारण है जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जब इन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की विद्वता इनकी इनकी भजन को दर्शन किए, वो समझ गए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आछजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मेर नाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसे आएगा गली गलियों में शहर शहर में सब लोग एकट होकर गए, कहते गौर रंग के गोरे रंग के और काले रंग के दोनों व्यक्ति मिल करके एक साथ में निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, ये भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी भी है। हैं इसलिए
प्रभुपाद जब उनको गुरुदेव चले गए, प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए, बोले मैं कैसे ये गुरुवर्गों का वाणी को प्रचार प्रसार कैसे करूँ, मेरे पास में एक तो जनबल भी नहीं, मेरे पास में कोई अर्थ बल भी नहीं। जब उन्होंने एक दिन इस स्वप्न समाधि में दर्शन किया, महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सारे गुरुवर्ग प्रकट हुए, प्रकट होकर के प्रभुपाद को कह रहे, बोले प्रभुपाद तुम चिंता मत करो, तुम कहते तेरे पास में धन बल नहीं, जन बल नहीं, केवल तुम प्रचार करने के लिए केवल प्रयास करो, हम सब के सब तुम्हारे पीछे मदद करने के लिए तैयार ही है। क्योंकि महाप्रभु जानते हैं यही एक महापुरुष है, कौन, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। कहते ये कौन है, बोले ये राधा रानी की नयन मणिमंजरी है, इसलिए राधा रानी की मणिमंजरी होने के नाते राधा रानी को स्वयं आदेश दिया, बोले नयन मणिमंजरी जाओ, ये दुनिया की दुर्दशा को देखो, कैसे जीव भगवत भक्ति से विमुख होकर के संसार में कैसे दुख कष्ट को उठा रहे हैं, तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। ये किसका आदेश है, ये राधा रानी का आदेश है। इसलिए प्रभुपाद जब आए, वो प्रभुपाद अकेले नहीं आए, उन्होंने अपना संपूर्ण, उन्होंने अपना परिकरों को लेकर के प्रभुपाद नयन मणिमंजरी आए। कहते वो उनकी परिकरों को अंदर में हमारी भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज ये एक हैं। ऐसे जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने एक एक भक्तों को दे करके महाप्रभु एक एक अपना अभीष्ट को उन्होंने पूरी किया, जैसे श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध तत्व को स्थापन किया, रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने रस तत्व को स्थापन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उन्होंने हमारे प्रयोजन तत्व को, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत तत्व को, उसी तरह प्रभुपाद भी उन्होंने छोटे छोटे बालकों को लेकर के उन्होंने अपना एक एक उन्होंने अपना इच्छा को पूरी किया। अभी प्रश्न है श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को देख करके प्रभुपाद क्या उन्होंने स्थापन किया है, कहते ये जितने ग्रंथ का जो एडिटर थे श्री भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज सारे ग्रंथों को, इसलिए वो कैसे जानते हो कैसे सोते थे, वो कभी बोलते हमारे सिद्धार्थी महाराज बोलते कभी उन्होंने पूरा अच्छे तरह से लेट करके सोए नहीं, क्योंकि वो एडिटर थे सारे किसकी, बृहत मृदंग की। जिस समय प्रभुपाद का समय में जो उन्होंने पत्रिका जो निकलता था है, जो ग्रंथ निकलता था, उसका ये एडिटर थे महाराज जी। इसलिए ये जब कहते थे चारी तरफ में इनका ग्रंथ ही भरा रहता था चारी तरफ में। आप लोग जो दर्शन किए होंगे कैसे सोते थे जानते हो, कभी पूरी उन्होंने लेट करके सोए नहीं, ऐसे इतना ऐसे ऐसे सो करके उनका संपूर्ण जीवन बीता। मतलब किस समय उठते थे, किस समय जगते थे, किस समय एडिटर करते थे पता नहीं चलता था हैं। ऐसे ही उन्होंने जो बृहत मृदंग, इसलिए मृदंग तीन मृदंग बताया गया, एक तो होता है मृदंग जो मृदंग बजाते हैं, इसका आवाज़ थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन एक होता है बृहत मृदंग। ये बृहत मृदंग कहते ये ग्रंथ, ये अगर किसी कोने में भी अगर ये ग्रंथ पहुंच गया तो बास उसका भी कल्याण कर देता है। इसलिए प्रभुपाद पहले उन्होंने वार्षिक पत्रिका निकालते थे, मतलब एक साल में एक पत्रिका निकालते थे, लेकिन देखा ये जीव के लिए काफ़ी नहीं, फिर उन्होंने मासिक पत्रिका निकाले एक महीना महीना में, फिर देखा ये भी यथेष्ट नहीं, फिर उन्होंने पाक्षिक 15 दिन को बाद में एक पत्रिका निकालते थे, बोले ये भी काफ़ी नहीं, फिर साप्ताहिक निकाले, फिर उन्होंने देखा इसमें भी जीव का कल्याण होना इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, उन्होंने प्रत्येक दिन रोज, जैसे हम सवेरे उठते ही हमारे घर को घर में न्यूज पेपर आ जाता है, प्रभुपाद ने उन्होंने ऐसे ही घर में सवेरे उठते ही सबकी घर घर में ये पत्रिका पहुँच जाता था, सारे घर घर में पत्रिका पहुंच जाती थी, और सवेरे उठते ही वैकुंठ वार्ता वह। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, किसने प्रभुपाद को बोले, बोले प्रभुपाद ये साधु होकर के आप ये कार, उसमें कार में चलना कोई साधारण बात नहीं था, आप ये कार में क्यों चलते हो, प्रभुपाद ने कहा मेरे कार की बात कहते हो, मेरे को अगर 10-20 एरोप्लेन दे दिया जाए ना, मेरे पास में इतने हरी कथा, मेरे पास में इतने हरी कथा, मैं चाहता हूँ संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी
संपूर्ण विश्व में घर घर में और गली गलियों में सर्वत्र महाप्रभु का वाणी प्रचार हो। मेरे पास में इतने कथा है, इसलिए उसमें जो मदद करने वाले विशेष रूप में कौन थे, बोले ये भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज एडिटर थे। इसलिए इनका नाम जब उन्होंने मंदिर में आए इनका नाम रख दिया था प्रणमानंद ब्रह्मचारी। ये प्रणमानंद मतलब क्या है, प्रणम ओंकार को प्रणम कहते हैं, ओंकार को प्रणम कहते हैं। इसलिए जो ओंकार शब्द है उसमें अ उ और म ये तीन अक्षर है। कहते अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार उच्चते राधा और मकार जीववाचक। इसलिए ओंकार का ये मतलब अकार में कृष्णा, उकार में राधा, मकार में जीव। इसलिए माने इनको प्रभुपाद ने इनका जो ओंकार शब्द और ओंकार का और एक अर्थ होता है जो कि बड़े सुंदर जो वाद्य बा जो म्यूजिक बा बड़े सुंदर जो हैं जो बड़े सुंदर गाते हैं। इसलिए ये भी इनकी इतने सुंदर ये गाया करते थे, इतने सुंदर भजन गाते थे। ये रेडियो में भी इनकी भजन आया करता था और इनकी भजन सुन करके प्रभुपाद को पास में जा करके बोलते थे ये प्रणमानंद ब्रह्मचारी का रेडियो में भी बड़े सुंदर इनकी भजन आता है, इतने सुंदर ये भजन गाते थे महाराज जी हैं, बड़े सुंदर भजन गाते थे। इसलिए ये हमारे जो महाराज जी इनको किसने बोल दिया, मैंने देखा महाराज को तो बहुत बार दर्शन किया। जब उन्होंने विशेष करके ठाकुर का जब सेवा पूजा करते थे ना, ठाकुर का सेवा पूजा करते थे उसमें घंटे घंटे तक ठाकुर जी की जब विग्रह को घंटे घंटे तक उनको विग्रह सेवा में इतने आविष्ट हो जाया करते थे। इसलिए कुछ लोग इनको देख करके बोले इतने कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी का जो लक्षण है बोले अर्चया मेव हरए जम पूजा श्रद्धेयते न तद भक्ते सुचान्य सुसभक्त प्राकृत स्मृत। कहते जो कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण बताया, जो अर्चन की पूजा में जिसकी विशेष निष्ठा, ये अर्चन में इनकी निष्ठा थी। पाँच मिनट इसलिए कहते ये अर्चन में पूजा इनकी विशेष निष्ठा थी। किसने बोल दिया, अरे ये तो कनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन इसको सुन करके लेकिन इनका जो शिष्य लोग तो दुखी हो गए, क्योंकि ये हर शिष्य का कर्तव्य है अपना गुरु जी को किस रूप में देखनी चाहिए। कहती यद्यपि आमार गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश, क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण सब तार भृत्य, अकेले कृष्ण ही ईश्वर है, सबके सब उनका भृत्य है। भृत्य होने का तो जीव तो स्वरूप में कृष्ण नित्य दास है, लेकिन एक शिष्य गुरु जी को क्या माननी चाहिए, एक शिष्य गुरु जी को माननी चाहिए। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य रे दास, किंतु शिष्य का कर्तव्य है अपना गुरु जी को समझनी चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई रुक्तस तथा भाव व्यतय वसद्वि, एक शिष्य का कर्तव्य गुरु जी को अभिर्न प्रकाश आचार्य मांग बीजान्यात। कृष्ण कहते हैं उद्धव आचार्य जी को मेरे स्वरूप जाननी चाहिए, और साक्षात हरि अभिर्न हरि स्वरूप गुरुदेव है, तभी समस्त शास्त्र शिष्य के हृदय में स्फूर्ति होता है। नहीं तो अगर गुरु जी को अगर कोई साधारण बुद्धि करे ना, कहते उसमें क्या है, गुरु सु नरमति साहेब नारकी, वो नारकी है, हैं उसकी समस्त शास्त्र वृथा, सब समस्त शास्त्र उसको सामने समस्त ज्ञान वृथा हो जाती है, हैं जहा धन्युभव रख्यत। लेकिन उनका जो शिष्य लोग तो बिगड़ गए, कहते हमारे गुरु जी को कनिष्ठ अधिकार बोल रहे हैं, है नियम है गुरु जी का, शिष्य को समझनी चाहिए। गुरु हमारी महाभागवत, इनको पास में जाकर कोई शिष्य बोले ऐसे ऐसे बोल रहे, तो उन्होंने इतने खुश हुए। देखो ये वैष्णव का क्या लक्षण है, कहते मैं तो सोच रहा था मेरे कोई अधिकार है ही नहीं, कोई कनिष्ठ अधिकार भी नहीं, लेकिन कम से कम वैष्णव लोग मेरे को तो कनिष्ठ अधिकार बोल रहे ना, कितने सौभाग्य की बात है। क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी भी साधारण नहीं, जो कनिष्ठ अधिकारी कहते उनको 7 पीढ़ी उधार हो जाता है, मध्यम अधिकारी के 14 और उत्तम अधिकारी के 21, कहते कम से कम वैष्णव लोग मेरे को कनिष्ठ अधिकार तो बोल रहे हैं, हम कितने सौभाग्यवान। मतलब इनकी अंदर में कितने दीनता, इनकी अंदर में कितने दीनता महाराज के अंदर में,
इसलिए महाराज जी के अंदर में ठाकुर जी का प्रति ऐसे मत समझो जो ठाकुर को पूजा करते कनिष्ठ अधिकारी। हमारे गोस्वामी ने किसको पूजा की बताओ? हमारे जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन किसने प्रकट किया है? हमारे गोस्वामी लोगों ने। राधा गोपीनाथ जी को किसने प्रकट किया? गोस्वामियों ने। श्रीनाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी पूजा करते थे इनकी, तभी वो कनिष्ठ अधिकारी क्या है? गोकुलानंद को कौन? विश्वनाथ कनिष्ठ अधिकारी मंजरी, ये सब के सब मंजरी सब के सब है। मदन हमारे श्री राधा दामोदर को किसने प्रकटित किया? रूप गोस्वामी प्रकट करके जीव गोस्वामी को दिया। श्याम सुंदर को श्यामानंद प्रभु ने प्रकट की। ये सबके सब एक एक मंजरी है, इसका मतलब नहीं है कनिष्ठ अधिकारी नहीं। इसलिए ये जब ठाकुर जी को पूजा करते थे इनकी जो भावना है, विग्रह न तुम्हें साक्षात भजन दंदन, ये ठाकुर जी को किसने प्रकट किया बताओ? हमारे गिरधारी गौड़ी मठ में कौन? रमण मंजरी ने प्रकट किया, हमारी गुरुजी ने प्रकट किया। इसका मतलब वो थोड़ी कनिष्ठ अधिकारी, मतलब इनके अंदर में दीनता है, इनके अंदर में ये दीनता। ठाकुर जी के प्रति इतनी इनकी तन्मयता, इतनी घनिष्ठता थी, अगर ठाकुर जी के शरीर में कोई इधर उधर हो जाए ना, एक समय कोई पुजारी पूजा करते करते ठाकुर उनके हाथ से गिर पड़ा है, इनको अंदर स्वप्न आ गया। इनकी किसने ठाकुर जी को पास में दिया दिला दे, थोड़ा कपड़ा जल गया तो इनके शरीर में एकदम जैसे आग लग गई। इनके शरीर में भले मेरे शरीर में आग जैसे क्यों लग गई, कहीं खबर लिया करो, कुछ तो मंदिर में नहीं हो गया। लेकिन वो पुजारी सोच रहा था किसको पता नहीं अंदर में क्या हो गया, लेकिन सब गुरुदेव ने बोले हैं मंदिर में तो इधर उधर कुछ नहीं हुआ। बोले हाँ, ठाकुर जी के पास में दिया दिया था, दिया में ठाकुर जी का कपड़ा जल गया। ठाकुर जी के शरीर में कुछ हो तो इनके शरीर में अपने आप प्रकाशित होता था। और ये जो महापुरुष है, ये विशेष करके कोई अगर ग्रंथ प्रकाशित करे ना, हाँ, जैसे हमारे भक्त में नारायण गोस्वामी महाराज जब कोई ग्रंथ प्रकाशित करते थे, इसको जरूर महाराज के पास में भेजते थे, और इतने वो प्रसन्न होते थे ग्रंथ प्रकाश, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने यही काम किया। क्योंकि इसका नाम बृहत मृदंग इसका नाम है, हैं? क्योंकि ये हो गया इसका नाम, ये बृहत मृदंग होने का नाते अगर इनको कोई बोलते थे महाराज आपको कुछ चाहिए, जानते हो क्या कहते थे? वो कहते थे मेरे जो गुरुदेव का नाम लेते थे, बोले भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का जो प्रकाशित जो वेदांत सूत्र भगवत गीता महाजन गीत संग्रह उपनिषद अगर मेरे कुछ देना चाहते हो, सिद्धांति महाराज का ग्रंथ को ला करके मेरे को दो। बोले ग्रंथ का प्रति इनकी इतनी सद्भावना, कोई ग्रंथ प्रकाशित हो तो बड़े खुश हुआ करते थे। और अंतिम समय में मैंने जो देखा है, इन्होंने मेरे जो गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा, शरीर त्याग किया, श्रीला भक्ति परमद पूरी गोस्वामी में जीवन में पहला बार दर्शन किया, इन्होंने मेरे गुरुदेव को अपना हाथों से समस्त तरह का विधि विधान को साथ में गुरु जी की उन्होंने जो शरीर संस्कार का सारे काम भक्ति परमद श्रीला पूरी गोस्वामी महाराज ने किए। और अंतिम समय में भी इन्होंने कहाँ पर, इन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में जैसे श्री महाप्रभु जैसे विप्रलम्भ रस को आस्वादन करते हुए, हमारे गुरुदेव जैसे श्री जगन्नाथपुरी ये विप्रलम्भ का स्थान है, जैसे उसी तरह इन्होंने अपना विप्रलम्भ भाव को आस्वादन करते हुए अंतिम उनका जो अंतर ध्यान श्री जगन्नाथपुरी में ही इन्होंने अंतिम अंतर ध्यान लीला को प्रकाश किया है। इसलिए आज इनकी तिरुभाव, इनकी जैसे ठाकुर का प्रतिनिष्ठा वैष्णव निष्ठा, और इनको जो शरीर है ना, कोई ज्योतिष ने बोला था 12 साल में ये शरीर छोड़ने वाले, लेकिन जब प्रभुपाद को पास में आए, देखो जब भगवान के पास में कोई आ जाए सदगुरु जी की चरण आश्रय रहे, जानते हो कितना साल तक रहे? 102 साल तक रहे, 102 साल। प्रभुपाद का गढ़ में एक ही महापुरुष हुए हैं जो कि संपूर्ण रूप में 100 साल को पार किए। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, कोई कहते ना तुम्हारी ये होने वाले वो होने वाले, लेकिन जब कोई गुरु जी की शरण में आ जाए, ठाकुर जी की शरण में आ जाए, जितने तुम्हारी पूर्व जन्म का प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज ये संपूर्ण खत्म हो जाता है। और जो 12 साल में जो शरीर छोड़ने वाले, लेकिन प्रभुपाद की शरण में आने पर कितना साल, 102 साल तक, सबसे ज़्यादा प्रभुपाद का गण में यही सबसे ज़्यादा समय तक रहे। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि, ये महापुरुष हम सबको ऊपर में कृपा करें, इनके जो प्रभुपाद का प्रति जो निष्ठा
गुरु वैष्णव का प्रति जो निष्ठा है, अगर हमारी अंदर में भी ऐसे निष्ठा हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्याति धन्य हो जाएगा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।